हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा मुखर्जी। आप देख रहे हो सिंपल टिप्स अन्वेषा। सो आज की वीडियो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट फूड क्रेविंग्स को कैसे हम टॉलरेट करें, खास करके अगर हमें फिट होना है, अगर हमें वेट लूज करना है। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, देखिए आजकल इतने फिटनेस चैनल्स हैं, इतने एडवाइजर्स हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, सब अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करते हैं ऑनलाइन। कोई बोलते हैं ये छोड़ दो, कोई बोलते हैं वो इंक्लूड करो फलाना दिमाग का। बट अगर आप आसपास के लोग देखो, आजू बाजू में मेजोरिटी लोग अभी भी आपको अनहेल्दी, अनफिट या ओबीज दिखेंगे। ऑल्दो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, इतना लो फिटनेस के बारे में बात करते हैं, बट स्टिल बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं है। वेट कम नहीं हो रहा है, किसी का अगर वेट कम हो रहा है तो वापस वो बढ़ रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, वॉट इज द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट। सो आई एम गोइंग टॉक टू यू टुडे नॉट एज अ यू नो न्यूट्रिशन कोच और फिटनेस इन्फ्लुएंसर और फिटनेस कोच, बट जस्ट एज अ फ्रेंड। रियली टुडे वी विल टॉक अबाउट क्रेविंग्स, क्योंकि क्रेविंग्स के लिए इसलिए बात कर रही हूँ कि जितने मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मेजॉरिटी लोग इसी चीज से सफर करते हैं, वो है क्रेविंग्स। एंड दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो सफर्ड लाइक अलॉट। प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकती है इन सब चीजों का, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत लोगों की जिम के मेंबरशिप लेके रखे हो, लाख लाख रुपए का मेंबरशिप, लाख लाख रुपए खर्चा करते हो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन के पास जाके, सबके पास जाके, बट फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है आपके केस में। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे बहुत रिसर्च पेपर ये कहेगी कि पीसीओडी में लैक्टोज एकदम, मिल्क एकदम बंद कर दो, बट मे बी आप ऐसे कैटेगरी के इंसान हो जिसको डेयरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी आप ऐसे भी कोई इंसान हो सकते हो जिनको डेयरी से प्रॉब्लम है, ठीक है? सो आप हु विल बी द बेस्ट जज, यू योरसेल्फ, ठीक है? आपको पता होना चाहिए इज डेयरी सूटिंग योर बॉडी, हाउ डू यू फील आफ्टर कंज्यूमिंग डेयरी। आपको पता है बहुत लोग एलमंड मिल्क पे कन्वर्ट इसलिए कर जाते हैं क्योंकि किसी और ने किया है कन्वर्ट, इट्स अ फैक्ट। उनको लगता है कि किन्होंने कहीं सुना है किसी और पे वो काम किया है तो उन पे भी करेगा, तो इसी वजह से सूट कर जाएगा। मे बी योर प्रॉब्लम इज यूर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक एंड दैट इज वाई यू सडनली ब्लेम डेयरी एंड यू स्टॉप्ड कंज्यूमिंग मिल्क बट नॉट स्टॉप्ड कंज्यूमिंग जंक बिकॉज यूर क्रेविंग, आपकी क्रेविंग है जंक। तो आपने उसको नहीं हटाया बट आपने कहीं सुना कि मिल्क आपके आप सिस्टम को खराब गंदा करता है, तो आपने ऑटोमेटिकली मिल्क को बंद करके आलमंड मिल्क कर दिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, टू मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर व्हिच इज कंफ्यूजिंग यू। हमारी सराउंडिंग्स, ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल, खास करके क्रेविंग्स में। आप देखना हर एक जिम स्टोर के बाद बाहर या नीचे या साइड में एक फास्ट फूड का शॉप होगा ही होगा। मेजॉरिटी लोगों को मैंने देखा है कि जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद निकल के ही वो चले जाते हैं मैकडी में या फिर कोई फास्ट फूड सेंटर में चले जाते हैं, और ये रेगुलर है। वो सोचते हैं कि अरे इतना वर्कआउट किया, इतना कैलोरी बर्न किया, अब तो बनता है, कैलोरी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इट बैलेंस। सो बिकॉज देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर टॉकिंग अबाउट कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉर वेट लॉस, बहुत लोग सोचते हैं कि क्योंकि वर्कआउट में इतना कैलोरी बर्न किया तो ठीक है, अभी 300 कैलोरी का वर्कआउट में बर्न किया तो 300 कैलोरी का हमने बर्गर खा लिया तो बैलेंस हो गया, कोई बॉडी पे नहीं आता है। Calories is not always the right way for many people, it doesn't work like that, everybody is different। बहुत लोगों का फैट स्टोर करने का तरीका अलग होता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, बहुत लोगों का एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं हो सकता, गुड वर्कआउट कैन नेवर आउट डू अ बैड डाइट। कि ये मैंने खुद सफर किया इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। पहले की बात करिए, एक टाइम था जब मैंने वेट लूज कर लिया था एंड आई टू देन ओवर ट्रेन बिकॉज आई टू एन्जॉय इट, नॉट बिकॉज आई वॉज पनिशिंग माई सेल्फ, बट आई टू एन्जॉय इट। बट देन फॉर अ ब्रीफ टाइम आई रिमेंबर इन 2019 देर वॉज अ फेज इन माई लाइफ, दो तीन महीने का मैं बहुत जंक खाने लग गई थी फिर से, बिकॉज आई लॉस्ट ऑन माई वेट एंड आई वॉज वर्किंग आउट प्रॉपरली, तो इंटेंस वर्कआउट करती थी, बहुत हैप्पी थी। बट मैंने दो तीन महीने ना मैंने रेगुलर जंक भी खाया था, 2019 की बात करी जब मैंने वेट लूज कर लिया था। ऑफकोर्स आई डिडंट गेन वेट बट आई वॉज ऑलवेज ब्लोटेड, आई हैड सीवियर मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स गड़बड़ हो गए थे। मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था 2019, मेरा कोलेस्ट्रॉल के एलडीएल लेवल हाई हो गया था, कैन यू बिलीव, कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया था, लिपिड प्रोफाइल खराब हो गया था, ओनली बिकॉज आई वॉज ईटिंग जंक। सो ऑल्दो माई कैलोरीज वर बैलेंस्ड बट दैट डिड नॉट मीन दैट आई वॉज हेल्दी, सो आई हैड टू स्टॉप ईटिंग जंक। नेक्स्ट थिंग फॉर क्रेविंग्स, एक और चीज आप हमेशा समझना ना, ये तो रिसर्च में भी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल इम्बैलेंस, गट डिसऑर्डर्स, एनवायरमेंटल, ठीक है, सीजनल,
वेरी रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग, ऑल दीज थिंग्स इंड्यूस क्रेविंग्स इन यू। 10 डेज में एक बार आप अपने फेवरेट फूड, फेवरेट मील जरूर इंक्लूड करें अपने डाइट में इन मॉडरेट क्वांटिटी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिसर्च भी हुआ है कि जब आप अपने आप को कोई भी अपने फेवरेट फूड से जो क्रेविंग है उससे एकदम कम्प्लीटली डिप्राइव करके रखते हो बहुत लॉन्ग टाइम तक, वो रिवर्ट बैक करती है। एंड ये मोस्टली काम करते हैं लोगों पे आइदर शुगरी फूड्स और सॉल्टी फूड एंड कार्ब्स। व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 डेज, इन मोस्ट रिसर्च हैज बीन प्रूवन दैट यू विल गो बैक टू ईटिंग योर फूड्स एंड यू विल लेजिट हॉग बिकॉज यू हैव स्टार्व्ड एंड केप्ट योर बॉडी आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक और चीज हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है आपकी बॉडी में, लेप्टिन, ग्रेलिन, सेरोटोनिन, इनका अगर इम्बैलेंस रहता है जो आपके स्ट्रेस लेवल से, जो आपके स्लीप लेवल, हैप्पीनेस, योर एनवायरमेंट, योर वर्क, योर फैमिली, पीपल अराउंड यू, सोशल मीडिया, दीज थिंग्स विल गिव यू स्ट्रेस। प्लीज आइडेंटिफाई कि आपकी गलती क्या है। मैंने ऐसे बहुत क्लाइंट देखे जो हर एक डाइटिशियन, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक वेट लॉस ट्रेनर, हर एक कोच सबका वीडियो देखते हैं और आके कहते हैं अच्छा उसने तो ये बोला, इसने तो ये बोला, क्या मैं वो करूं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं, आपके बॉडी पे क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा, मैं यहाँ पर बैठ के आपको बिना जाने कैसे मैं बता सकती हूँ। हाँ, मैं आपको रिसर्च एंड साइंस बेस्ड फैक्ट्स बता सकती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ चीजें शेयर कर सकती हूँ जो आपके काम पे आएगा, बट अल्टीमेटली आपके बॉडी पे क्या अप्लाई होगा क्या अप्लाई नहीं होगा ये सिर्फ किसको पता होगा, आपको। मैं खुद 2017-18 में डेयरी लैक्टोज इंटॉलरेंट थी, बट आज 2022 में आई एम नॉट एट लैक्टोज इंटॉलरेंट एनीमोर। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एंजॉय द फूड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, बट बी ऑल्सो वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल एंड एब्सोल्यूटली हमेशा के लिए कोई फूड ग्रुप को अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ देन मैं 50-60 साल में क्या खाऊंगी, है ना। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट प्रॉब्लम क्या है, करंट ट्रिगर्स क्या है, करंट क्रेविंग्स क्या है और उनको हम कैसे अपने डाइट में कुछ टाइम तक कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर उसको कैसे रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपने चीज को समझ सकते हैं। तो आपको मैं एक टास्क दूंगी, खास करके जिनको इंटॉलरेंसेस है या खास करके जिनको क्रेविंग्स होती है, आप ना एक डायरी ले लो, अपना एक डायरी लो और फूड लॉग करना स्टार्ट कर दो। फूड लॉगिंग का क्या मतलब, फूड लॉगिंग मतलब आपने कुछ खाना खाया एंड हाउ इज योर गट फीलिंग आफ्टर ईटिंग इट, व्हाट इज योर क्रेविंग, आपके बॉडी में क्रेविंग क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पे क्रेविंग आ रही है, किस सिचुएशन में क्रेविंग आ रही है, इसको लिखिए। सी आई हैव डन दिस विद फ्यू क्लाइंट्स ऑफ माइन एंड इट हैज रियली हेल्प देम। सी व्हेन आई टेक अप अ क्लाइंट आई आस्क देम कि तुम बताओ कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको क्या अच्छा लगता है, बट अबाउट 30-40% कैन नॉट टेल प्रॉपरली, उनको खुद पता नहीं होता और ये होता है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, अपने बॉडी में क्या जा रहा है, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसका जब अवेयरनेस ना हो तब ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी, खास करके इफ यू आर समबडी हु मिजरेबली फेल्स ऑन योर वेट लॉस जर्नी ऑलवेज, प्लीज स्टार्ट मेंटेनिंग अ फूड लॉग। एक और चीज जरूर करिएगा, स्पेशली इफ यू आर 30 एंड अबव, प्लीज गेट अ फुल बॉडी चेकअप डन ताकि आपको पता चले आपके थायराइड लेवल्स क्या है, इंसुलिन लेवल्स क्या है, लिपिड प्रोफाइल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का क्या इश्यू है, PCOD आपकी विटामिन लेवल्स कैसे है, आयरन लेवल्स कैसी है, ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, इट बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड vis-a-vis चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड डाइट। ऑफकोर्स सी सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन द मार्केट, मेडिसिन सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज देयर, मेजोरिटी चंक आपका वो डाइट एंड लाइफ स्टाइल ही होगा, ठीक है। और कोई, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट मेरे पास या किसी के पास अगर कोई आपको कह रहा है कि ये चमत्कारी एक चूरन है, एक ये खाना है वो है, इट डजेंट वर्क, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, इट डजेंट वर्क। कोई चमत्कारी ऐसे खाना है नहीं जो आपको एकदम मैजिकली ठीक कर देगा। अंडरस्टैंड योर बॉडी, कीप अ फूड लॉग फॉर 10-15 डेज एंड मेजोरिटी आपको समझ में आ जाएगा कब कहाँ कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। माइंडफुल ईटिंग यही होता है, यू शुड ऑलवेज नो इफ यू आर ओवर ईटिंग राइट आफ्टर यू ईट अ फूड, व्हेन यू feel heavy, full, lethargic, tired after eating. Some days I understand you want to overeat your favorite foods like a lot of ice cream, a lot of junk. Once a week I understand that. But if it's happening chronically every day or every second day, it's not the best thing. Rather than having always an ice cream or a big bar of chocolate, find a healthy alternative to sugar cravings. Like you have dates, figs, fruits, maybe a piece or two of dark chocolates, maybe some homemade healthy laddus that you can make at home. चलो आज की वीडियो में यहाँ एंड करती हूँ, आई सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।